बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम तर स्टूडेंट्स जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले स्टूडेंट्स जिनको अब डेट एक्सटेंड कर दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर जाएँ तो यहाँ पर आपको डेट एक्सटेंड कर दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की। 6,280 रुपये के साथ आप 27 तारीख तक, यानी कि आज 25 है, कल 26 है और परसों 27 है, मंडे वाले दिन, तो 27 तारीख तक आप लोग अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपने यूनिवर्सिटी में भिजवा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाई वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी भेजने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने यूनिवर्सिटी में क्या क्या भेजना है, ये स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर हमें काइंडली बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने यूनिवर्सिटी में भेजने हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड होगा वो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों ने क्या करना है, अटेस्ट करवाना है। इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि मेरे ऊपर ब्लैक शीट की वजह से अटेस्ट करवाना है आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके ऊपर स्टैंप लगेगी, आपके साइन होंगे, आपका थंबप्रिंट लगेगा और वो आपने करना है। उसके बाद आप लोगों का मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड आप लोगों ने अटेस्ट करवाना है किसी भी गजटेड ऑफिसर से जो 16th ग्रेड और उससे अबव हो। उसके बाद आप लोगों का इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड होगा और आपका CNIC, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपलसरी हैं, जो आप लोगों ने मस्ट लाजमी भेजने। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा आपका उसके ऊपर आप लोगों ने अपनी जो ओरिजिनल फीस की कॉपी है, ओरिजिनल फीस का जो चलान है, जो आप यूनिवर्सिटी कॉपी आपकी, वो आपने इसके ऊपर पेस्ट करनी गम के साथ, ये आपने करना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने लाहौर बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, NOC, वो आप अपने मुतलका बोर्ड से जहां से आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया है उस बोर्ड से आप लोगों ने लेना है। ये लेने के बाद उसके बाद आप लोगों ने इसे बजरिया पोस्ट भेजना है। बाय हैंड आप ये जाकर सबमिट नहीं करवा सकते, बाय पोस्ट ही आप लोगों को ये सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन वाले हैं, अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ये पूछते हैं कि सर हमने किस जगह पे ये सबमिट करवाना है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। ये हमारे पास एड्रेस मौजूद है, इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ पे और इस जगह पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को जरा बड़ा नजर आए। ठीक है, ये हमारे पास एड्रेस आ गया यूनिवर्सिटी का, डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल रजिस्ट्रेशन ब्रांच एडमिन ब्लॉक कायदे आजम कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। ये एड्रेस है आप लोगों का, जिस एड्रेस पे आप लोगों ने बजरिया पोस्ट ये डॉक्यूमेंट्स भिजवाने रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स, तमाम रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट। अब जो एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को भी आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूं आप लोगों का क्या प्रोसीजर है। इससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि 1 अप्रैल से इंशाल्लाह ताला हमारी क्लासेस का आगाज हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी, GCUF, BA, BSc, ADA, ADS, इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारी क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने का कंप्लीट सेशन होगा जिसके अंदर आपके टेस्ट भी होंगे, आपकी असाइनमेंट्स होंगी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपके पेपर प्रेजेंटेशन होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स होंगी, वो चीजें तैयार करवाई जाएंगी। जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पेपर में क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। सप्ली का चांस इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। आप लोग इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेहनत करवाई जाएगी हर चीज पे। हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वो वहां से देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लास्ट चांस में भी स्टूडेंट्स आए हैं, उनको तैयारी करवाई है तो वो पास कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का करम है। तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब एडमिशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन भिजवाने वाले, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे आप लोगों ने जाना है, साइन अप फॉर न्यू अकाउंट करना है, नेम, CNIC, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, ईमेल आईडी ये लगाना है, आप लोगों का अकाउंट साइन अप हो जाएगा, न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। गो टू साइन इन स्क्रीन पे जाएं, यहां पे अपना CNIC और पासवर्ड लगाएं, आप लोग लॉग इन करेंगे और उसके बाद आप एडमिशन भिजवाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वहां पर शो हो जाएगा। इसके मुतालिक मैंने एक पूरी वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर लगा दी हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं। फ्रॉड से बचें, खुद फॉर्म फिल करें स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने एडमिशन फॉर्म फिल किया है स्टूडेंट का, तो वो मैंने यहां पे शेयर किया हुआ, आप यहां पे इस तरह से ये कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहां पे आता है कि आपका CNIC ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लोगों को अपना पुराना पासवर्ड ढूंढना है। और जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है, रजिस्ट्रेशन करवाई है और आप लोगों को वहां से यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिला तो आप लोग क्या करें। रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आप लोगों को नहीं मिला और आप लोग यहां पे कर चुके हैं साइन अप और आप लोगों को जब फॉरगॉट पासवर्ड पे जाते हैं तो आपसे CNIC और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो आप लोग क्या करें, आप लोगों के पास कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके लिए अब आपने क्या करना है जी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो आप लोगों ने सिंपली, आप लोगों को मैं यहां पर वो भी शेयर कर देता हूं क्योंकि मैंने कल एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मंगवाया, यहां पर आ जाए।
ये जब आप एड्रेस देखते हैं रजिस्ट्रेशन का, तो आपके पास वहां पे आ रहा है डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल, डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल, ये आपके पास आ रहा है वहां पे एड्रेस। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड किस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मंगवा सकते हैं, आपका सीएनआईसी फ्रंट बैक से, और आपने जो फीस सबमिट करवाई है, फीस चलान आपने ये, या अपना प्रिंट फॉर्म करना है, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म प्रिंट करना है और उस फॉर्म की पिक्चर, ये दो चीजें या तीन चीजें आप लोगों ने कहां पे भेजनी है, डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल एट pu.edu.pk, drg@pu.edu.pk, इस पे आप लोगों ने मैसेज लिखना है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, ये मेरा सीएनआईसी है, ये मेरा चलान फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो मुझे काइंडली मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इनायत कर दिया जाए, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत है। अगर आप लोग साइन अप कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं और आपको पासवर्ड भूल गया है, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी फॉरगॉट करने के लिए, तो आप यहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मंगवा सकते हैं। ये था पूरा प्रोसीजर। अब नेक्स्ट बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन भिजवाना है पंजाब यूनिवर्सिटी का। ये छोटी छोटी क्वेरीज थी, छोटे छोटे सवाल थे आप लोगों के, जिनके मैंने जवाब देना जरूरी समझे। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरह से मिलेगा ऑनलाइन, वो मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों ने फॉर्म किस तरह से फिल करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों ने किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं, अटेस्ट कहां से करवाने हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। फीस कितनी है, क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। अब एडमिशन की बात करते हैं जी, एग्जामिनेशन में जाएं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में जाएं, जो आपको मैं पहले बता रहा था कि आप लोगों ने अगर साइन अप नहीं किया, पहले न्यू अकाउंट बनाएं। अगर आपने साइन अप कर लिया हुआ है, साइन इन करें, साइन इन करने के बाद आपने एडमिशन फॉर्म फिल करना है। एडमिशन फॉर्म अपना मुकम्मल फिल करने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन जो आएगा वो होगा प्रिंट फीस चलान। आपने फीस चलान प्रिंट करना है, आपने किसी भी UBL या HBL बैंक में जाके फीस सबमिट करवानी है, या वन बिल सर्विस के थ्रू भी करवा सकते हैं, फीस अपनी जमा करवानी है। फीस जमा करवाने के बाद वापस आके आप लोगों ने दोबारा से इसे साइन इन करना है। दोबारा इसे जब आप साइन इन करेंगे तो आपके पास वहां पे शेड्यूल्ड जो आपका होगा ऑलरेडी फॉर्म, वो आपका सामने होगा। न्यू एडमिशन फॉर्म के साथ आपका शेड्यूल्ड फॉर्म होगा या एडिटेबल फॉर्म होगा, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, आपके सामने वो फॉर्म आ जाएगा। वहां पे जाके आपने अपनी फीस इंफॉर्मेशन किस तरह से पुट करनी है, बैंक सिलेक्ट करना है, आपने UBL में किया है या HBL में किया है, वो सिलेक्ट करना है। डेट सिलेक्ट करनी है जी, किस तारीख को किया है, फाइनलाइज कर देना उसे। फाइनलाइज करने के बाद अब स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर हमने वो अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी भिजवाने या नहीं भिजवाने, कोई जरूरत नहीं है। एडमिशन करवाने के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स भेजने की, सिर्फ आपने फाइनल अपना यहाँ पे जितना भी प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया वो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी यूनिवर्सिटी भिजवाने, अदरवाइज आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। फीस अपनी लाजमी प्रॉपर सबमिट करवा दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी में कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अकेडमी ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। 1 अप्रैल से क्लासेस का आगाज होगा इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला एक छोटी सी अपडेट है, एक डील है जो आप लोगों के साथ करूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।